तो भाई लोगों अभी हम हैं एक भाई के ब्याह में और भाई अभी आए थे राजगढ़ सादुलपुर और ये भाई साहब है इनके घर के ब्याह में जो मेरे दोस्त हैं रामलास, ये राधुला दुलाराम जी है और अभी सिस्टर की जो बारात आई है उधर आई है। और अभी रात को हम आए थे अपने गांव से 500 किलोमीटर। देखिए अभी बात बहुत सब लिखवा दिया है और ये भाई का घर है राजगढ़ आए थे हम रात को गाड़ी लेके आए थे और ये दुले राम है हेलो हेलो हाउ आर यू ये हमारे दुल्हे भाई साहब है और इनकी शादी में हम चल के कहाँ पे हरियाणा बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर पे। तो अभी थोड़ा काम बहुत करना पड़ेगा थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो अभी दोस्तों अभी क्या क्या हुआ मैं सीन बताता हूँ कि ये देखिए पीछे टेंट लगा है। अभी हमें कालरी गांव में तो ऐसा हुआ कि जब सुबह मैंने आपको बताया था तो मैं था सुबह मैंने बताया था तो मैं था हाँ मेरे दोस्त राम निवास के घर पे और उसकी शादी थी तो उसकी सिस्टर की शादी थी तो हाँ सिस्टर एक मिनट में गाड़ी के अंदर चला जाता फिर बात करता हूँ एक मिनट में। तो क्या हुआ कि तो क्या हुआ कि सुबह काम पे लगे थोड़ा बहुत काम किया खाना वाना खाया और अभी इधर ही हमारे ये गांव में अंकल जी एक बार इधर आना। हाँ तो ये हमारे अंकल जी है इनके भतीजे की शादी थी तो हमें इनवाइट किया था तो हम सुबह थे वहां पे और अभी यहाँ पे आए खाना वाना खा के वहां से आए। तो अंकल जी हा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाया और हम आए। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अंकल जी ने बोला एकदम ओके धन्यवाद। और अब सीन ऐसा है कि भाई की दाई सामने फेरा गया उड़े तो हम उड़े दुखी पाव अंकल जी बोल रहे शाम को यहाँ पे स्टेज वगैरह है ना अंकल जी है स्टेज वगैरह फ्लोर वगैरह डांस वगैरह तो लड़की की शादी सब तो आगे उठो पाओ वो नहीं है नहीं रात को नहीं करेंगे फ्लोर तो मार को नहीं मार तलवा दे दी एक बजे तो यहाँ पे यह गाड़ी पिछले दिन छोटी जा तो मेरी है खुद की सब यार ये बराबर में है नहीं मिनटों की है तो ऐसा हुआ कि अभी जाएंगे वापस राम निवास भाई के घर पे वहाँ से जाएंगे बारात तो देखते हैं अभी मैं थोड़ा बहुत तैयार भी हूँ अभी खाना वाना खा लिया है तो चलते हैं अभी सब लोग आ गए तो बैठेंगे हम भी अभी मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। और भाई साहब कैसा लग रहा है? ये भाई साहब आपने देखा ही होगा जब मैंने थैली मांगी थी बरसात आ रही थी कोई ट्रैक्टर वाले एक ये लंबे भाई साहब और सर कैसे खाना वाना खा लिया और भी खाना नहीं अब बस चलो बैठते हैं गाड़ी में अब जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये देखिए बीड़ी मास्टर मैं भी गिरवा देती
भाई मांग के लगी थी, मांग मांग के बीड़ी पीते ऐसा ये बोलते नहीं बोलता। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं, बरा जाते हैं, वहाँ से होते तैयार कुछ ना नोन करके रेडी होते हैं, फिर दिखाते हैं आपको दूल्हा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे दूल्हे भाई साहब देख लीजिए, हेलो। तो भाई साहब के पास पहुंच चुके हैं, कभी हम भी फोटो वगैरह कराते हैं। अभी भाई चलो गाय की बारात में चलते हैं, और ये देखिए ये सब
रात के बज चुके हैं 11 बज चुके हैं और अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम पीछे बैठे हैं, आगे बड़े फिगर लोग बैठते हैं, मैं और दानू भाई भी पीछे। अभी जाएंगे बारात, यहाँ से थोड़ी है 9-10 किलोमीटर, तो थोड़ी सी हो रही मेरी सफा में। गाने चल रहे, कोविड आ जाएगा। चलो अब तो भाई लोगो, अभी हम पहुँच चुके हैं बारात में। भाई और पीछे है, जो दूल्हा है वो पीछे है। और अभी हम जहाँ बारात आई है हरियाणा स्टेट में, गांव है कोई, मुझे नहीं पता क्या नाम है। रात है तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया मैं। अभी यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, हमारे तो उधर पूरी रात बारात रुकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अपने बारात आई, जितने भी लोग आते हैं खाना खा के वापस चले जाते हैं, और सिर्फ दूल्हा और दो चार आदमी रुकते हैं। तो हम भी अभी आएंगे, थोड़ा बहुत डांस वांस करेंगे, आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, बने रहे, और फिर चले जाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। तो भाई साहब अभी हम खा रहे हैं खाना, बारात आगे ही आपको जैसे बताया था। तो ये दानू भाई साहब है, उधर से चलना पड़ेगा, तो ये इधर से चलना पड़ेगा। तो खाना खाते हैं, आपको मैं बता ही देता हूँ यार, मैं खाना खा लेता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा है खाना। भाई लोगों अभी दूसरा दिन है और अभी हम निकल चुके हैं, ये हमारी गाड़ी है पीछे रही, अभी निकल चुके हैं गांव की तरफ। शादी निपटा दी, अभी दूसरे गांव में आए थे जहाँ पे कल आए थे, दो शादी थी। तो अभी खड़े हैं एक फॉर्चुनर के आगे। चलो इस वीडियो में इतना ही था, अभी चलते हैं घर पे। रास्ते में तो नींद आएगी, मुझे पता है रात पूरी नींद नहीं ली, नींद आएगी। तो चलो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बताना जरूर।